आज हम एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारा एग्जाम सेटर होता है वो हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देता है जिसमें बहुत ज़्यादा टफ कैलकुलेशन हो, कोई ना कोई इजी ट्रिक उसमें होती है। सबसे पहले तो जो है वो आप वीडियो पॉज करें और अपने मेथड से इसे करके देखें। क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, ए अपॉन टू बी प्लस थ्री सी इक्वल टू टू बी अपॉन ए प्लस थ्री सी इक्वल टू थ्री सी अपॉन ए प्लस टू बी फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन। आप अपने मेथड से करें, आई होप आपने वीडियो पॉज करके करा होगा। इसमें एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कंपोनेंटों की प्रॉपर्टी होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वन अपॉन टू इक्वल टू टू अपॉन फोर, ये इक्वलेंट रेशियो हैं। अगर इसमें हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐड कर दें कंपोनेंटों प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा, टू प्लस वन फोर प्लस टू, यानी वन अपॉन थ्री इक्वल टू टू अपॉन सिक्स। ये भी इक्वलेंट रेशियो हो गया, यानी न्यूमरेटर ऐड करने के बाद भी रेशियो इक्वलेंट ही रहता है। अगर ये प्रॉपर्टी हम यहाँ लगा दें तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, ए अपॉन ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी इक्वल टू टू बी अपॉन ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी इक्वल टू थ्री सी अपॉन ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी। आप इस बात को देखें कि डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर ऐड करने के बाद सेम आ गया, ठीक है। इसके हिसाब से हम ए इक्वल टू टू बी इक्वल टू थ्री सी लिख सकते हैं। अब ए की वैल्यू कोफिशियंट वन ले लें, जिसका टू है उसका थ्री है, तो वन टू और थ्री का अगर हम एलसीएम लें तो वो आ जाएगा सिक्स। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, वन सिक्स जा सिक्स तो ए की वैल्यू सिक्स, टू थ्री जा सिक्स तो बी की वैल्यू थ्री, थ्री टू जा सिक्स तो सी की वैल्यू टू। हमारे पास तीन रेशियो निकल कर आ गए, सिक्स थ्री टू, फोर्थ निकालना है तो उसे हम एक्स ले लेंगे। यहाँ पर हमें फोर्थ निकालना था। प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा। इसमें मीन और एक्सट्रीम आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, मीन और एक्सट्रीम के मेथड से ये सिक्स हो जाएगा और ये सिक्स एक्स हो जाएगा और एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी वन। तो वन आंसर आ गया, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन जो था वो हमारा वन था, ठीक है। अगर आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। ऐसी इजी ट्रिक्स हम आपके पास लेकर आगे भी आते रहेंगे। थैंक यू।